नमस्कार भैया बहनों एंड भाई लोगों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट उसका पार्ट 5 लेकर के आए हैं। इसकी थ्योरी पार्ट 4 तक कंप्लीट करा दी थी, आज हम उसकी थ्योरी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स विमीय विश्लेषण के आधार पर और नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशत त्रुटि के आधार पर न्यूमेरिकल को समझेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, पिछली वीडियो में बताया था कि विमाएँ का उपयोग क्या होता है, कि विमाएँ सूत्रों के सत्यापन में काम आती हैं। सूत्र उन्हें पता चलता है सूत्र ये सही है या गलत है। तो आज हम ऐसे ही कुछ सवाल, कुछ तथ्य विमीय विश्लेषण के आधार पर प्रूफ करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से समझें। नंबर 1, जैसे गति की प्रथम समीकरण है SB=UAT। सब जानते हैं ये बी अंतिम वेग होता है, यू क्या होता है प्रारंभिक वेग, ए से त्वरण होता है एक्सेलरेशन और टी से टाइम होता है। तो ये गति की प्रथम समीकरण है। यदि आपसे पूछा जाए ये समीकरण सही है या गलत है, तो आप कहेंगे ये समीकरण हमने 9th में पढ़ी है सही है। परंतु हम सही को नहीं जानते, हम तो इसे प्रूव करवाते हैं कि ये सही कैसे है, सिद्ध कीजिए। तो इसे विमाओं की सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं ये समीकरण सही है या गलत है। गणितीय विधि से तो माइनस प्लस आ सकता है, परंतु विमाओं की सहायता से कैसे सही हो सकती है ये समीकरण। यदि दोनों पक्षों की विमाएँ हम निकाल लेते हैं और दोनों पक्षों की विमाएँ अर्थात प्रत्येक पद की विमा बराबर आ जाती है, तो वो समीकरण, वो सूत्र सही माना जाता है। अन्यथा दोनों तरफ की विमाएँ बराबर नहीं आती हैं तो वो सूत्र गलत माना जाता है। तो यहाँ पर हमने पहली समीकरण लिए गति कि B=UAT, इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी इसका वेरिफिकेशन करना है, सत्यापन करना है कि विमीय विश्लेषण की विधि से ये समीकरण सत्य है या असत्य है। तो इसे सिद्ध करने के लिए इसके प्रत्येक पद की विमा बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब ये समीकरण ये सत्य होगी, अन्यथा ये रॉन्ग है। तो देखते हैं ये बराबर से इधर को कौन सी साइड है, ये LHS, और बराबर से इधर कितने पद हैं, 2। ये RHS साइड है, इसमें 2 पद हैं, एक U+AT। तो U की डायमेंशन का मतलब विमा, और इसकी विमा यानी प्रत्येक पद की विमा बराबर होनी चाहिए। तो देखेंगे हम B की विमा, LHS की विमा। तो वेग की विमा पढ़ी थी आपने LT-1, ऐसा निकाला होगा आपने विमा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो DS एक प्रकार से दूरी होती है, इसकी विमा L, समय की विमा T हो जाएगी। यहाँ पर T की घात 1 है तो LT-1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स LT-1 ये LHS साइड की विमा आ चुकी है, और RHS में देखें तो 2 पद हैं, 1 और 1, 2। तो ये U है इनिशियल वेलोसिटी, देते प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग जब वेग कोई सा भी सही विमा इतनी होती है, तो U की विमा भी देखेंगे हम तो कितनी होगी LT-1, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग वस्तु का। AT की विमा देखेंगे हम, इन संकेतों के अर्थ पता होना चाहिए। इसे यहाँ त्वरण है एक्सेलरेशन, तो त्वरण की विमा हमने पिछले वीडियो में निकलवाई थी, बहुत सारी विमा निकलवाई थी। तो ए की विमा है LT-2, स्मॉल t मूल राशि है, इसकी विमा कैपिटल T हो जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो LT-2 और ए के पावर ये है, तो -2+1 कितना बचा, माइनस का ही। तो LT-1 LHS की विमा आ गई है, अर्थात प्रत्येक पद की विमा बराबर है यहाँ पर। तो हमें ऐसा भी लिख सकते हैं, सो LHS की विमा बराबर क्या है RHS की विमा, दोनों पक्षों की विमाएँ बराबर हैं, अर्थात प्रत्येक पद की विमाएँ बराबर हैं। तो इसलिए विमीय दृष्टि से यानी डायमेंशन एनालिसिस मेथड से ये दी हुई समीकरण B=U+AT
बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक पद की विमा क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से हम गति की सेकंड समीकरण ले लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये एस चली गई दूरी है, ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स, किसी कण के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। तो ये दूरी की विमा, एल एच एस की विमा देखें स्टूडेंट्स, तो दूरी से संबंधित राशि की विमा क्या होती है, कैपिटल एल, और विमा हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखी जाती हैं। अब देखेंगे हम यूटी की विमा, यूटी का मतलब इसके आरएचएस में जो पक्ष है एक, तो यू वेग है प्रारंभिक वेग, तो इसकी विमा आ जाती है एलटी माइनस वन, स्मॉल टी की कैपिटल टी, तो यहाँ एल आ गई है भी, ये कॉस्ट, ये एल कैसे आ गई स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ टी की पावर माइनस वन है ये, और यहाँ टी की पावर प्लस वन है, तो टी की पावर जीरो हो गई यहाँ पर, किसी की घात जीरो होती है उसका मान वन होता है, तो ये एल आ जाती है। ऐसे ही इसकी विमा निकालें हम, तो वन बाई टू ए टी स्क्वायर, तो वन बाई टू अर्थात जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, और कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अर्थात हम इसकी विमा निकालें, हम त्वरण की विमा हो जाएगी एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर की, टी की तो टी होगी, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, तो इस प्रकार से एडजस्ट करके माइनस टू प्लस टू कितना आ गया एल टी जीरो, या एल भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है एल को एल नहीं लिखा होता, तो ऐसे एम की जीरो एल टी की जीरो, तो इसका मतलब इसे नहीं माना जाता है, एल ही है सिर्फ। तो यहाँ पर देखें हम, तो प्रत्येक पद की विमा क्या आई है, बराबर एस की विमा भी एल, और इस पद की विमा भी क्या है एल, और एक बार तो ए टी स्क्वायर की विमा भी क्या है एल। अगर संख्यात्मक मान से देखें हम, तो ये अर्थात गणितीय रूप से समीकरण में हम प्लस माइनस बंधन के कारण आ सकता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विमाएँ होती हैं उनसे सूत्रों की सत्यता की जाँच होती है। यदि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर आ जाती हैं, किसी भी सूत्र की सत्यता ही जांच कर सकते हैं हम। शुरू से फिजिक्स में जितने सूत्र आपने पढ़े हैं अब तक, उनकी सबकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र हैं, ये इस टाइप का पहले सत्यापन है, आप दूसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं देखते हैं। अभी हमने विमाओं के आधार पर जो समीकरण है गति की, या कोई अन्य सूत्र भी हम सिद्ध कर सकते हैं, दोनों तरफ की विमाएं बराबर आती हैं, प्रत्येक पद की विमा बराबर आ जाती हैं, तो सूत्र सही माना जाता है, अन्यथा गलत माना जाता है। तो यहाँ पर हम दूसरे टाइप पर आते हैं, टाइप उसी से रिलेटेड है ये, परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ये समीकरण मान लो वेग की समीकरण दे दिया आपको, बी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। इस प्रकार से ये वेग की समीकरण आ जाती है, जिसमें कहता है कि बी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, जहाँ वेग समीकरण है तो ये बी लिखा होगा, बी से मतलब वेग ही होगा, यहाँ ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन में टोटल लिख के आएगा, यहाँ वेग समीकरण इतनी है, जहाँ ए बी सी एक नियतांक हैं और टी समय है, बी से वेग है, तो इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की विमाएँ या मात्रक पूछेगा, तो आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे मात्रक को। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, प्रत्येक पद ये जब हम कैपिटल ए की विमा निकालेंगे, तो इसे सिर्फ इस प्रकार से लिखेंगे बी इक्वल टू ए टी स्क्वायर, विद्यार्थी इसे छोड़ देंगे हम बी टी प्लस सी को, क्यों छोड़ देंगे बताएंगे, इसके बारे में बता भी चुके हैं, क्योंकि प्रत्येक पद की क्या होती है विमा बराबर होती है, तो बी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा बी अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें तो ए की विमा जो आ गई यहाँ से, यह ए का विमीय सूत्र, तो भैया बहनों वेग है ये, वेग की विमा क्या होती है एल टी माइनस वन,
और ये स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने पूरा क्वेश्चन ही देखा है, बहुत देर लगती तो इसलिए मैं समीकरण से काम चलाऊंगा। यहाँ पर ध्यान रखना, तो स्मॉल टी की विमा कैपिटल टी, विद्यार्थियों ध्यान से, एल टी माइनस वन, माइनस वन के स्थान पर टू लिखा जाएगा यहाँ पर। वो कैसे है, टी की पावर कितनी है बटे में प्लस का एक, जब हम ऊपर लाएंगे इसे तो टी की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, माइनस वन। तो इस प्रकार से माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू। सजातीय, एक जैसे पद जुड़ते हैं, एक जैसी घातें जुड़ जाती हैं चिन्हों की, और विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो एक ही बीमा इतनी आ गई साहब, एक ही बीमा या एक अभिमीय सूत्र। तो ये किसका काम करेगा, ये त्वरण का, क्योंकि त्वरण की बीमा इतनी होती है। मगर ये तो बफालतू बोल रहा हूँ, त्वरण की बीमा होती है, एक ही बीमा निकालनी है बस। अब हमें कैपिटल बी की बीमा निकालनी है, तो इसे छोड़ देंगे और इसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक पद की बीमा बराबर बराबर लिखते हैं। तो बी इक्वल टू हो जाएगा बी टी, यहाँ पर बी तो जानते हैं आप, वेग होता है, टी से टाइम होता है, ये वाला बी आ जाएगा। तो बी इक्वल टू बी अपॉन टी, तो बी की बीमा बराबर या बी का बीमीय सूत्र बराबर ये हो जाएगा एल टी माइनस वन अपॉन स्मॉल टी, टाइम है ये, तो एल टी माइनस कितना हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा गलती कर दी है, सॉरी, यहाँ पर टी का स्क्वायर लिख रहा था, स्क्वायर लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर माइनस दो माइनस तीन हो जाएगा, यहाँ ठीक कर लेना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बी बराबर बी अपॉन टी, तो बेग की बीमा ये आ जाती है और स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इस प्रकार से इसकी घात प्लस की एक है, ऊपर ले जाएंगे इसकी घात माइनस की एक हो जाएगी, तो माइनस एक माइनस एक माइनस का दो हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने त्वरण बताया ना, तो इसे घात चेंज हो गई, तो ये एक त्वरण का काम नहीं करेगा। यहाँ पर टी स्क्वायर है, मैंने ध्यान ना दिया, टी की घात दो हो गई है। तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टेंट है ना बी की बीमा, ये आ जाती है। अब बी की बीमा सी के बराबर होगी, तो बी इज इक्वल टू सी या सी इज इक्वल टू बी, तो सी की बीमा या सी का बीमीय सूत्र बराबर वेलोसिटी की बीमा एल टी माइनस वन। तो भाई लोगों, ये बी अलग अलग इनके बीमाओं के बराबर होगा, ये टोटल पद वेग होगा, ये वेग होगा, ये वेग होगा। तो इस प्रकार से हम किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ सकते हैं, ना कि किलोग्राम में कोई लंबाई जोड़ सकते हैं। तो प्रत्येक पद की बीमा बराबर, अर्थात यहाँ पर ए बी सी के अगर मान हम निकालें तो प्रत्येक पद की क्या आएगी, बीमा बराबर आएगी यहाँ पर। इसी प्रकार से एक समीकरण और देखते हैं वेग की, बी इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी। किसी प्रकार से सवाल बना करके आ सकता है, वेग की समीकरण हो सकती है, विस्थापन की समीकरण हो सकती है। तो यहाँ पर हम, आप जानते हैं बी से वेग है और टी स्मॉल टी से टाइम है, और स्मॉल ए स्मॉल बी हैं, ये कॉन्स्टेंट हैं, आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट, स्वेच्छा अनुसार माने हुए अचर हैं। तो यहाँ पर वही पुराना नियम, बी के स्थान पर, सॉरी, बी इज इक्वल टू एक बार ए टी लिख देंगे, इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम स्मॉल ए की वैल्यू को एडजस्ट करके इस प्रकार से निकाल लेंगे, स्मॉल ए इक्वल टू बी अपॉन टी। तो लिखेंगे एक ही बीमा बराबर या एक का बीमीय सूत्र बराबर, तो बी का बीमीय सूत्र हो गया एल टी माइनस वन, निकलवा दिया बीमाओं में, और स्मॉल टी की बीमा हो जाती है कैपिटल टी। तो भाई लोगों, ये हो जाएगी एल टी माइनस टू। तो ए का बीमीय सूत्र आ गया एल टी माइनस टू, क्यों हो गया ये, टी की पावर बटे में कितनी है, प्लस की एक, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस एक, माइनस एक माइनस एक माइनस दो हो गया। अब नाउ वी विल फाइंड आउट दी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द बी, बी इक्वल टू बी अपॉन टी हो जाएगा, प्रत्येक संख्या के गुणा में बटे में एक होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट विल बी इक्वल टू बी कितना हो जाएगा, बी टी हो जाएगा। तो बी की बीमा बराबर आ जाएगी, तो ये वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, कैपिटल टी हो जाएगी इसकी बीमा, तो ओनली ये एल हो जाएगी, क्योंकि टी की पावर माइनस वन और यहाँ प्लस वन है, तो टी की पावर माइनस वन प्लस वन, टी की पावर जीरो, और किसी की हाथ जीरो होती है उसका वन होता है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे एल आ जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल, एम की जीरो, एल टी की पावर जीरो,
ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा तो आप घबराना मत, जिसकी घात जीरो है उसे काउंटिंग में मत लेना, खाली एल माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये दो समीकरण मात्र से समझाया आपको। इस प्रकार से बहुत सारी समीकरण वेग की या विस्थापन की भी आ सकती हैं, तो आप प्रत्येक पद को, इधर वाले LHS वाले पद को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग करके उन कॉन्स्टेंट की डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टाइप थर्ड देखते हैं। अब विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा t समय में चली गई दूरी का समीकरण s इज इक्वल टू 1/2 gt अशुद्ध है, यानी गलत है। ये विमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में क्या करना है हमें, ये s बराबर 1/2 gt ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है कैसे, ये प्रूव करके दिखाना अशुद्ध है कैसे। फिर हमें सही समीकरण चली गई दूरी का भी प्राप्त करना है विमीय विश्लेषण दैट इज डायमेंशन एनालिसिस मेथड से। तो सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य है इस समीकरण को गलत साबित करना, गलत है ये, मां गलत है कैसे ये दिखाना। तो हमने बताया था दोनों तरफ की बीमा निकालेंगे आप, LHS की और RHS की। यदि दोनों साइडों की बीमा, दोनों पक्षों की बीमा यदि बराबर आ जाती हैं तब तो वो सूत्र सही होता है विमीय दृष्टि से, यदि बीमा बराबर नहीं आती हैं तो अशुद्ध होता है अर्थात गलत होता है। तो इसी प्रकार से इसमें इन संकेतों के अर्थ भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ लिखा चली गई दूरी, तो इसका मतलब ये एस क्या है, दूरी है, और जी से है गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि एच ऊंचाई पर, देखो लिखा हुआ है गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड, तो पिंड कहाँ गिर रहा, ऊंचाई से, तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग कौन सा त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और टी से टाइम, उस पिंड को जिस जगह से फेंका है, छोड़ा है स्वतंत्रपूर्वक, उससे नीचे आने में लगा समय है। तो यहाँ पर संकेतों के अर्थ पता चल गया, एस चली गई दूरी है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, जी क्या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण, टी टाइम है। तो हम इसमें क्या करते हैं, LHS की बीमा निकालते हैं स्टूडेंट्स। LHS का मतलब बाएं पक्ष की बीमा, LHS की बीमा बराबर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS। तो S क्या है, चली गई दूरी, हमने बताया था बीमाओं के जो नियम बताए थे कि बीमा बड़े कोष्ठक में लिखी जाती हैं और दूरी से संबंधित जो राशि होती है उसकी बीमा कैपिटल L होती है, तो S की बीमा कैपिटल L आ जाएगी यहाँ पर। अब हम RHS की बीमा निकालेंगे, तो RHS की बीमा बराबर 1/2 कॉन्स्टेंट होता है, 1/2 की जगह कितने 2/2 हो, 3/2, 5/2, 7/2 या 2, 4, 6, 10, 12, 1, 3, 5, 6 कुछ भी हो, उसकी कोई बीमा नहीं होती है, कॉन्स्टेंट राशि होती है, इसे छोड़ दो। जी की बीमा हो जाएगी यहाँ पर LT-2। रेखीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण इन दोनों बीमा सेम आती है, वहाँ रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं, तो यहाँ गुरुत्वीय वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और वहाँ पर कोणीय त्वरण आता है तो उसकी बीमा T-2 आती है, चेंजिंग आती है। स्मॉल टी क्या है, कैपिटल टी इसकी बीमा, तो इसे हो जाएगा इसकी -2 पावर है, इसकी +1 पावर है, तो -1 बचेगी, -2 + 1 कितना हो गया, -1। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं LHS की बीमा निकाली तो हमने L आई है, और RHS की बीमा निकाली तो क्या आई है, LT-1। क्या ये बीमा बराबर है, क्या नहीं है, नहीं बराबर, तो ऐसे लिखाएंगे ना, सो LHS की बीमा क्या नहीं है, बराबर नहीं है क्या RHS की बीमा, ऐसे The dimension of the LHS does not equal to dimension of the RHS। अतः हम कह सकते हैं कि ये विमीय दृष्टि से दिया गया जो समीकरण दूरी का है वो गलत है, अतः जो S बराबर है 1/2 GT गलत है, अशुद्ध है, विमा बराबर नहीं आई है ना स्टूडेंट्स। अब सही सूत्र प्राप्त करने का तरीका देखें, सही सूत्र प्राप्त करने का तरीका, और बहुत सारे सूत्र हम प्राप्त करेंगे प्राप्त करना। तो विद्यार्थियों इतना तो पता ही है आपको
कि चली गई जो दूरी है वो यहाँ पर दो बातों पर निर्भर करती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, एस किस पर निर्भर कर रही है, जी पर और टी पर, दो पर। तो इन पर हम क्या करेंगे, घाते लगा देंगे, जैसे ए और बी मान लेंगे। यदि एकाध पद और होता टी के बाद में भी इन टू में, तो उसकी घात हम सी मान लेते। यदि एकाध बात पर और निर्भर करता तो हम डी मान लेते, और इन्हीं के मान हमें प्राप्त करने होते हैं और यही मान हमें वापस लगाने होते हैं। तो यहाँ पर हम एस बराबर ये वाला निशान ख़त्म करने के लिए एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे के, तो जी की पावर ए और टी की पावर बी। तो विद्यार्थी यहाँ से एक नया रुख बनता है समीकरण का। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा जाएगा, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर क्योंकि हम विमाओं की सहायता से सही समीकरण को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दोनों ओर की विमा लिखने पर, विद्यार्थियों ये चली गई दूरी है, दूरी की विमा एल आएगी यहाँ पर, इस पर कोई घात नहीं है, एक एक ही है, कैसे कॉन्स्टेंट है, इसकी विमा नहीं लिखते हैं। कहीं कहीं के का मान 6π आ जाता है, कहीं कहीं 2π आ जाता है, और कहीं कहीं के का मान 1/2 आ जाता है, और कहीं ज़्यादातर के का मान 1 लिख के ख़त्म कर दिया जाता है। तो के जी का मान लग जाएगा यहाँ पर LT-2, इसकी विमा होती है ये स्मॉल टी की विमा कैपिटल टी घात बी। विद्यार्थियों यहाँ बहुत ध्यान देना है आप लोगों को, ये कैसे समीकरण बन जाती हैं सही से। यहाँ जो लिख रहा है ना LT-2 की होल घात ए, तो यहाँ पर जो ए घात है ये होल घात है, इसका मतलब एल की घात भी ए है और टी की घात पर भी ए लग रहा है। तो इसका मतलब इसे अगर हम तो तोड़ के लिखें तो एल की पावर ए और टी की पावर -2 हो जाएगा और टी की पावर बी। तो ये L तो और कहीं है भी नहीं, तो L की घात लिख देंगे A, और यहाँ पर कितना है T दो बार लिख रहा है, T की पावर एक बार लिख रही है -2A और एक बार T की पावर B लिख रही है। तो एक जगह T लिख के इनकी घातों को जोड़ देंगे, क्योंकि आधार एक से होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो T की पावर -2A+B। तो ऐसा करने से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, यहाँ पर हम घातों की तुलना करेंगे, इक्वेटिंग दी पावर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ आवर एबव इक्वेशन। घातों की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तो विद्यार्थियों एक सवाल ठीक से समझ लें, बाकी सब सवाल अच्छे तरीके से आप कर लेंगे विमाओं की विधि से। तो यहाँ L की घात A है और यहाँ L की घात कितनी है, एक है, इधर L की घात एक है तो इधर L की घात A है। तो इस प्रकार से L L की घात बराबर करके A का मान हमारे पास आ गया A=1। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर T की घात कितनी है, -2A+B। जब हम इधर को देख रहे हैं LHS साइड में, तो इधर T है ही नहीं, जब है ही नहीं तो इसकी गुणा में एक मान लो, और एक को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, T की पावर 0 लिख सकते हैं। अगर मान लो L नहीं होता तो L की पावर 0 ही लिख लेते हैं, इधर L होता तो। तो इस प्रकार से -2A+B बराबर क्या आ जाएगा, 0, तो -2 और A का मान कितना 1+B, तो -2 बन जाए 2+B=0, पक्षांतर कर देंगे, चेंज हो जाएंगे, -2 इधर आकर +2 हो जाएगा। तो भाई लोगों जो घातें मानते हैं हम, उन घातों को विमीय विश्लेषण की सहायता से सही घातें प्राप्त करके वो मान हम वापस कर देते हैं। अब हम A और B की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, A व B के मान एक में रखने पर, तो एक है S=K का मान 1/2 लगेगा यहाँ पर, गति की द्वितीय समीकरण के अकॉर्डिंग K की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, 1/2 मान ली जाती है। G की पावर A लिख रही है, तो भाई लोगों G की पावर A लिख रही है तो A का मान हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1, तो 1 प्लस को 1 लिखते नहीं हैं, परंतु अगली लाइन में ठीक कर देंगे। T की पावर B है, तो T की पावर B का मान कितना है 2,
यदि माइनस एक होता है तो लिखा रहने देते हैं, और जब कुछ घात प्लस एक होता है तो प्लस एक को लिखने की जरूरत ही क्या है, इसे जी रहने देंगे। तो भाई लोगों, विमीय दृष्टि से ये वाला सूत्र गलत है, विमा बराबर नहीं आई थी, और ये सही सूत्र है। यदि इस प्रश्न में ये कहता कि जो सूत्र आपने सही प्राप्त किया है उसे भी सही करके दिखाओ, तो इसकी विमा L और इसकी विमा एल टी माइनस टू और इसकी टी स्क्वायर, तो एल टी स्क्वायर एल टी पर माइनस टू एल आ जाती। तो ये सूत्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हाँ, ये सवाल देखते हैं। और विमीय विशेषण पर, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल बी, माध्यम की प्रत्यास्थता ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। विमीय विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो एक बात बता दें विद्यार्थियों, विमीय विधि से आपके सिलेबस में बहुत सवाल हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे एफ बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर है, क्रांतिक वेग बी सी बराबर के ईटा बटे रो आर है, ठीक है, आवर्तकाल है टी बराबर टू पाई अंडर आर का घन बटे जी एम ई, स्टॉक्स बल है सियान बल बोलते हैं इसे, एफ एस बराबर सिक्स पाई ईटा आर बी। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं और विमाओं से ही होंगे। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, पीडीएफ फाइल में आपको टोटल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर माध्यम ध्वनि की चाल बी किन किन बातों पर निर्भर करती है ये देखें। चाल बी माध्यम की प्रत्यास्था किस पर निर्भर कर रही है, ई पर। तो ये चाल बी निर्भर कर रही है, ये निर्भर करने का निशान है जिसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हिंदी में बोलते हैं। ई प्रत्यास्था है। अब आपको पता नहीं होगा प्रत्यास्था क्या होती है, एलास्टिसिटी बोलते हैं इसे, इसे ई से लिखते हैं। प्रत्यास्था क्या होती है एक बार सुन लें, जैसे कोई रबर है और रबर को हम क्या करेंगे, खींचेंगे, तो जो बल लगा के खींच रहे हैं उसे बोलते हैं हम विरूपक बल, और विरूपक बल हटा लेने पर वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आने का क्या करती है, प्रयास करती है। वस्तु के इसी गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था का मतलब होता है रबर से, रबर खींचने से, यानी रबर को हम जब खींचते हैं बल लगा करके, जब बल हटा ले लेते हैं तो वो रबर अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करती है, उसी को तो हम प्रत्यास्था बोलते हैं। तो प्रत्यास्था को ई से लिखते हैं इलास्टिसिटी, और यहाँ पर विमीय विधि घनत्व कितना डी। तो यहाँ पर वेग जो है दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक माध्यम की प्रत्यास्था ई पर और घनत्व डी पर। तो इसका मतलब दो बातों पर निर्भर कर रहा है, इसकी घात ए मान लो, इसकी घात बी। ये भी टेंसा मत लेना कि साहब ई पहले लिख रही है तो ई पहले लिखनी है, ये डी, इसकी घात ए मान के देख लो इसे बी, कोई गलती नहीं होगी सवाल के अंदर, कोई घाते मान सकते हैं, दो हैं तो ए भी घात कोई से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो बातों पर निर्भर करती है ये। तो यहाँ पर बी ये वाला निशान ख़त्म करने के लिए कॉस्टेंट ले लेते हैं। तो कॉस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादातर सवालों में क्या लगा देते हैं, बल लगा देते हैं, और किसी विशेष स्थिति में के की वैल्यू 1/2 जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में बताई थी हमने, और 6π आती है सियान बल में, और सरल लोलक के आवर्तकाल में ज़्यादातर k का मान 2π आता है। तो k की वैल्यू लगा दी यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पता होना चाहिए b क्या, e क्या, d क्या है। ये क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक से पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि b से क्या वेग है, चाल है, और माध्यम की प्रत्यास्था क्या ई है, और डी से घनत्व है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सूत्र जो स्थापित कर रहे हैं चाल का, वो विमाओं की सहायता से कर रहे हैं, और जे इनके अर्थ ही पता ना चलेगा हमें तो विमा हम किसकी लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम दोनों ओर की विमा निकालेंगे, रखेंगे दोनों ओर की विमा लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर। तो विमाएं जब लिखोगे, जब इनके संकेतों के अर्थ पता होगा, ये वेग है ये चाल है, तो वेग बराबर ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी की विमा एल बटे में समय टी, एल टी माइनस वन, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब ये प्रत्यास्था की विमा मैं तो डायरेक्टली लगा दूंगा, एम एल की माइनस वन टी की पावर माइनस टू होती है, परंतु प्रत्यास्था का फॉर्मूला आपको याद होगा,
ये होता है प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। तो विकृति की तो कोई बीमा होती नहीं है। विकृति का मतलब होता है किसी वस्तु का बिगड़ा हुआ रूप, यानी विकृति का मतलब एल बटे एल, बताया था मैंने पिछली वीडियो में। तो ये प्रतिबल है, प्रतिबल की बीमा होती है एफ बटे, तो बल की तो सब जानते ही हो आप लोग, एम एल टी की पावर माइनस टू होती है। ये एरिया है, एरिया की एल स्क्वायर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबल की है बीमा, वो ही प्रत्यास्था गुणांक की बीमा के बराबर है। तो ई की बीमा प्रतिबल के बीमा के बराबर होती है। तो ये आ गई, ये डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। अब घनत्व हमने पता कर लिया आप लोगों ने, घनत्व क्या होता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। जैसे बताया था कि जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर घात 3 होता है, बर्फ का 900 किलोग्राम प्रति मीटर घात 3 होता है। यदि बर्फ को हम जल में डाल दें तो बर्फ क्या करता है, तैरता चलता है। तो इसका मतलब बर्फ का घनत्व कम है और जल का घनत्व ज़्यादा है। तो घनत्व जिसका ज़्यादा होता है, अब बात करते हैं घनत्व की बीमा की। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इज इक्वल टू द मास ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। स्मॉल एम की बीमा कैपिटल एम लग जाएगी भाई लोगों। ये आयतन है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी दूरी, चौड़ाई भी दूरी, ऊंचाई भी दूरी। तो एल इंटू एल इंटू एल, एल की पावर 3। तो एम एल की पावर माइनस के 3। तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, प्यारे भैया बहनों, यहाँ पर रप्पे ये विमान निकाल लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं भूल गया ए लिखना, लिख दिया मैंने। और डी की बीमा जो आई थी अभी, एम एल की पावर माइनस 3। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से। तो यहाँ पर घातों को एडजस्ट कर लें, एल टी माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ मैंने अभी बताया था स्टूडेंट्स, ये हॉल पावर ए है, ये ए है, ए है ये। तो यहाँ m की पावर 1 है, तो ये एक हाथ है ना, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, यानी 1, 2, 3। तो m की पावर a लिख दिया, यहाँ पर हमने l की पावर माइनस के 1 और a, 1 इंटू a इज इक्वल टू a, माइनस में है तो माइनस 2 इंटू a माइनस 2a। एम की पावर जो हॉल पावर है ना b, तो m की पावर b और l की पावर माइनस 3b, ऐसे करके हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि m कितनी बार लिख रहा है, 2 बार लिख रहा है। तो m 1 बार लिखने के बाद इनकी घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, a प्लस b आ जाएगा, a प्लस b। और इधर l, ये है l, ये है, तो 1 बार l लिख के घात, यानी आधार 1 से होनी चाहिए, घातें जुड़ जाती हैं। तो भाई लोग ये मत करना कि एल की पावर टी में जोड़ रहे हैं, एल एल में जुड़ेगी, टी में जुड़ेगी। और टी की पावर माइनस 2a, मैंने देखा यार टी का कोई जोड़ीदार है नहीं है, एल का तो जोड़ीदार ये हैगा, एम का जोड़ीदार ये हैगा, हाँ टी सिंगल है। अब हम घातों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे दोनों ओर की घातों की, क्या करने पर, तुलना करने पर। ऐसे ही सब सवाल होते चले जाएंगे, परंतु किसका कमाल है, सब बीमाओं का। यदि बीमा किस पर टिकी पड़ी है, सूत्रों पर। अगर आप इनकी घातों को याद करेंगे तो याद नहीं होंगी, पहले आपको सूत्र याद होने चाहिए और नियम बीमाओं के। तो एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मैं घातों की तुलना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टी की घात क्या है, माइनस 2a, तो यहाँ टी की पावर क्या है, माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो a बराबर या 1/2। यानी यहाँ टी की घात देख रहे हैं तो इधर भी भैया टी की घात ही देखेंगे। इधर a, m की घात a प्लस b है, और इधर m देख रहे हैं तो है ही नहीं, तो m की घात 0 मानी जाएगी। पिछली वीडियो, सॉरी इसी वीडियो में बताया था a प्लस बी बराबर क्या, 0। तो a का मान कितना भाई लोगों, 1/2 प्लस बी। तो इस प्रकार से हमने जो घातें मानी, पावर्स मानी,
उनकी वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल चुके हैं। अब हम ए और बी की वैल्यू वन में लगाएंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम एनी मीडियम। अब हम ए और बी की वैल्यू समीकरण एक में रखने वाले हैं, तो ई की पावर यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी, ए लिख रहा है ये, और ए की वैल्यू कितने निकाली हमने बेमीय विश्लेषण की सहायता से, एक बटे दो, और डी की पावर कितनी है बी, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस के वन बाई टू। तो एक नियम क्या है, ये बटे में ले आएंगे, माइनस की पावर है बटे में लाकर प्लस हो जाएगी ये पावर, तो डी की पावर प्लस एक बटे दो, तो बी बराबर ई बटे डी और होल पावर एक बटे दो। ये तो मैंने एक लाइन बेफालतू बढ़ाई है, एक बटे दो यानी एक बटे दो, मैं आपसे बात करूं तो रूट की वैल्यू कितनी होती है एक बटे दो, तो इसका मतलब रूट ये एक बटे दो को हम रूट लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो माध्यम में किसी माध्यम में जो साउंड की चाल है, ध्वनि की चाल है, वो इतनी आ जाती है बी इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन डी। बहुत सारे सवाल हैं बेमीय विश्लेषण के आधार पर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, और पहले वीडियो देखें उसके बाद पीडीएफ से नोट्स बनाएं ठीक से, सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे सुंदर तरीके से, ठीक है, धन्यवाद।